the people. हालो रे हालो। लगता है इधर एस का रूल है। शत्रु जी हमारे वो सिद्धू जी, आज के गेस्ट शक्ति कपूर, इधर सुरेंद्र पाजी, मैं सुनील, इधर प्रॉब्लम है। दिस गाय इज माय आइडल, आई लव यू। आई लव यू टू मैन। आज भी यूएस में लड़की घूमती है ना तो मैं बोलता हूँ आओ। आई एम हियर इन मुंबई एंड आई एम लविंग इट। यहाँ मुझे हर चीज अच्छी लगती है, यहाँ लोग अच्छे लगते हैं, यहाँ पीपल, पैशन, एनर्जी, रोमांस। इंडिया में बहुत रोमांस है। ओ यू टू। बहुत रोमांस है यहाँ पे, प्यार में पड़ना बहुत इजी है यहाँ पे। यहाँ मुझे हर लड़की अच्छी लगती है, मुझे रानी भी सेक्सी लगती है और नौकरानी भी। Alright, so I'm gonna find out over here in the audience and everybody outside, everybody in love, say yeah. आप नहीं बोले शत्रु जी, बगल में अगर शक्ति कपूर बैठा है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती। See, that's the problem. Guys don't express. हम लोग express नहीं करते, जो दिल में है वो बताते नहीं, और बताना चाहिए, because that's what women want to hear over and over and over again. So let's do an exercise. All guys, on the count of three, say those three words, wo teen alfaz that women want to hear over and over and over again. Are you ready? Yeah! All right, Shatruji aap bhi, Shakti ji aap bhi. One, two, three. I am sorry. That's right. I am sorry. क्योंकि गलती हमेशा हमारी होती है. It's always a guy's fault because we have a one-track mind. जहाँ देखी नारी वहाँ आँख मारी. पटी तो हमारी वरना दूसरी की तैयारी. हम जहाँ भी जाते हैं, कहीं भी हो, स्कैनिंग चालू होती है. बार में जाओ, रेस्टोरेंट में जाओ, पार्टी में जाओ, बस स्टॉप पे जाओ, स्कैनिंग चालू. अगर अच्छी लगी तो मैं गया क्लब में सर, क्लब में मैं गया, उधर भंगड़ा म्यूजिक चालू हो गया, डीजे का भंगड़ा म्यूजिक. ये मेरा नया भांगड़ा का स्टेप नहीं था. मैं सोच रहा हूँ इसको पटाऊं, उसको पटाऊं, इसको पटाऊं, उसको पटाऊं, इसको पटाऊं, उसको पटाऊं, इसको पटाऊं, उसको पटाऊं. यूएस में वी गो टू थेरेपिस्ट, काउंसलर, मैरिज काउंसलर. कोई अगर प्रॉब्लम हो तो एक लड़की चलेगी, डॉक्टर व्हाट इज अ गुड टाइम फॉर रोमांस, बोलते हैं 2 और 4 के बीच में दिन को. ऐसा क्यों? क्या उस टाइम यहाँ नर्स नहीं होती? जितने चैनल टीवी के उतने नखरे बीवी के. टीवी चलता है रिमोट से, बीवी चलती है नोट से. मुझे लगता है कि बीवी चलती है लव नोट से. मेरे भोगीलाल काका आ गए. बताइए क्या है सुनील, व्हाट इज ऑल दिस? इंडियन टीवी है ये? ही किस ने, होठ ने, होठ ने किस ने, ऐसा अलाउड नहीं इधर. गाने में कुछ भी हो सकता है, डायलॉग में बोलने का नहीं. डायलॉग में बोलने का नहीं. इंडिया है, डिसेंट है, डिसेंट कंट्री है, डायलॉग बोलने का नहीं. गाने में कुछ भी. हीरोइन जा रही है रास्ते में से, मस्त शलवार कमीज पहन के, ऊपर दुपट्टा है, चश्मे, हाथ में बुक्स, डिसेंट जा रही है इसे. जैसे ही गाना चालू हुआ, दुपट्टा उड़ गया, चश्मे उड़ गए, किताब गिर गई. शलवार कमीज, शक्ति जी आपकी और मेरी लाइन है, शलवार कमीज जुप आउट, 2-पीस बिकिनी जिप इन. गाना चालू, गाना चालू. थैंक
quickly, everybody. My name is Sunil Thakkar from Houston, Texas. Hello, re, hello. नमस्ते, सत्सरियकाल, याली मदद, केमचो और पूरे पाकिस्तान की जानिब से अस्सलामुअलैकुम। शत्रुबाई मेरी जान, शक्तिबाई पे दिल कुर्बान, प्यार मेरा ईमान, जीवे जीवे हिंदुस्तान और जीवे जीवे पाकिस्तान। कितना खूबसूरत पढ़ा लिखा लोग बैठा हुआ है। आपको बताऊं, आपको हैरत होगा, मैं भी पढ़ा लिखा हूं। मैं तो इतना शत्रु भाई पढ़ा हुआ हूं कि आपका चेहरा भी पढ़ सकता हूं। आपका चेहरा माफी के साथ उस एमए की किताब की तरह है जिसे बंदा 4 साल रट्टा लगाए फिर भी फेल हो जाएगा। परिजात तो वो किताब है कि बंदा चाहेगा पढ़ना आए ना आए मुंह पर रख के सो जाए। शक्ति भाई वो किताब है जो अगर बस्ते से निकल आए तो घर वाले कहते हैं ये किताब भी रखना शुरू हो गया तू। आप ये बताएं शक्ति भाई, ये इतनी लड़कियां आप हर फिल्म में उठाते हैं, लेके कहां जाते हैं? शक्ति भाई मैं वाहिद दुनिया का वो खुशकिस्मत आदमी हूं जिसने खान साहब को अकेले सोफे पे लड़की के साथ बैठे हुए देखा। मैं देख के हैरान हो गया। मैंने सुना तो बातें कर रहे थे, सुनो तुम एक दफा माँ बन जाओ। मैं तो बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं इन हो गया। मैंने कहा क्या सीन हो रहा है ये? कहने लगा सीन नहीं हो रहा है, ये अगर माँ बन जाता तो सीन हो जाता। मैंने कहा क्या सीन हो जाता? कहने लगा हम हीरोइन का माँ बना रहे। मैंने कहा फिल्म बना रहे हैं आप? बोला हाँ। मैंने कहा हीरो ले लिया? कहने लगे नहीं। तो मैंने कहा यार मेरे पर नजर डालो। कहने लगा तुम पे तो बचपन से डाला हुआ है। मेरा मतलब है कि तुम तो शुरू से पढ़ने वाला लड़का है, बहुत अच्छा आइडिया है, फिल्म में काम करो। मैंने कहा ठीक है, मेरे साथ आप हीरोइन किसको ले रहे हैं? कहने लगा बिपाशा बासु को। मैंने कहा बिपाशा बासु मेरे साथ? कहने लगा हाँ हाँ। कैसा लगेगा जब कास्टिंग ही आएगा तो कोई बोलेगा पठान का जहन है, किसी का नहीं हो सकता है। मैंने कहा खान साहब मेरी तो जिंदगी बन गई, सीन क्या है? कहने लगा सीन ये, बिपाशा बासु और तुम एक साथ चाहता हूं मैं उनको। मैंने कहा देखिए आप मुझे साथ चाह रहे हैं, आप डायरेक्टर हैं, फिल्म में नजर आने चाहिए, ऐसा ना हो कि भाई आप नजर ना आए। कहने लगा ठीक है मैं नजर आएगा, छोड़ दो। सीन ये, मोटरसाइकिल पे तुम जा रहे, बिपाशा बासु और मैं रिक्शे में जा रहे। मैंने कहा खान साहब मैं हीरो हूं और मेरे साथ खाली मोटरसाइकिल? कहने लगा अच्छा समझ गया, आपको मोटरसाइकिल बुरा लग रहा है ना, मोटरसाइकिल पे मैं और बिपाशा बासु हो जाता है, तुम रिक्शे में आ जाओ। मैंने कहा खान साहब आप गाड़ियां चेंज कर रहे हैं, सेटिंग चेंज नहीं कर रहे। कहने लगा अच्छा समझ गया, तुम चाहते हैं तीनों बैठे रिक्शे में आ जाते, तुम रिक्शा चला रहे बिपाशा बासु और मैं पीछे बैठा हुआ। मैंने कहा मैं खुद बोल के फंसाऊं कि नजर आना चाहिए। मैंने कहा खान साहब मुझे पीछे ले आओ। कहने लगा तो ऐसा बोलो ना, नाराजगी का क्या बात है, तुम और मैं पीछे बैठे बिपाशा बासु रिक्शा चला रहे। थैंक यू वेरी मच, हमेशा भारत जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।